अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। बहुत बहुत नमस्कार प्रधानमंत्री जी को और मेरे 1,03,000 दीदी समूह की दीदियों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत नमस्कार। कितने दीदी समूह? 1,00,000 दीदी हमारे आजीविका मिशन में 1,03,000 दीदियां जुड़ी हैं, उनकी सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत नमस्कार। तो आप 1,03,000 दीदी की लीडर हैं? नहीं सर, मगर हमारे जिले में है, समूह में है, हम सब संगठन में है एक। अच्छा रूमिना जी, पहले अपने विषय में बताइए, आप क्या करती हैं, कैसे इस काम से जुड़ी हैं आप? इधर मैं जब समूह से नहीं जुड़ी थी तो मैं मजदूरी करती थी, और जब मैं 2017 में समूह से जुड़ी, जब मैंने एक लोन लिया, हमारे समूह से ही मैंने लोन लिया 5,000 का, और 5,000 का लोन लेकर मैं कपड़े लेके आई, और कपड़े लेके मैं अपने गांव में ही बेचने लगी, और मेरे घर से ही कपड़े बिकने लगे। जब मैं धीरे धीरे और ज्यादा मेरी आय बढ़ती गई तो मैं और भी माल लेके आती गई। जब मेरा काफी बढ़ गया, 2-3, 3-4 महीने हो गए, जब मेरे घर वाले और मेरे पति ने निर्णय लिया कि क्यों ना अपन अब, क्योंकि मोटरसाइकिल से ना साइकिल से सर माल नहीं बेच पा रही थी मैं, तो मैंने मारुति वैन, सेकेंड हैंड मारुति वैन खरीदी, और मारुति वैन जी सर, मारुति वैन लेके आई। मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, जी सर, और उसको फिर मैं लेके ना गांव गांव बेचने जाती थी, तो मेरा और भी आय बढ़ने लग गई। तो फिर मैंने देवास में दुकान ले ली, क्या दुकान खोल ली मैंने कपड़े की, और उसके बाद में फिर मुझे जिले से इसका गणवेश का भी काम मिला, तो मैंने गणवेश भी सिलाई करी, और फिर हमें उपार्जन का भी काम मिला, हमने उपार्जन का भी काम करा, उससे मेरी आय अच्छी बढ़ती गई। और उसके बाद में फिर अचानक कोरोना काल आ गया, तो कोरोना काल में एकदम हमें खबर मिली जिले से कि तुमको सैनिटाइजर, मास्क और अपने पीपी किट में ये बनाना है, क्या दीदियों तैयार हैं? तो कुछ दीदियां पहले तो डरने लगी कि अपन बाहर कैसे निकलेंगे, कैसे जाएंगे, मगर फिर हमने निर्णय लिया सभी समूह की दीदियों उन्होंने कि क्यों ना हम जब देश अपना इतना मुश्किल में, इतना खतरे में है, तो अपन क्यों ना बाहर निकलें। इसलिए हमने मास्क बनाए सभी दीदियों उन्होंने, मेरे देवास जिले की दीदियों उन्होंने मास्क बनाए, सैनिटाइजर बनाया और पीपी किट बनाया, और उसके बाद में हम सब दूर जाके देने भी लगे। उससे मेरी दीदियों को एक तो अपने देश की सेवा करने का मौका मिला, और उसके बाद में एक हमारे जो देश में जो कोरोना काल की वजह से जो दीदियां आफत में थी, उनको एक आय मिली, उनको एक कमाने का साधन मिला। जी सर, कितनी कमाई हुई होगी सर? मेरी दीदी ने, एक एक दीदी ने 60-70 हजार के मास्क और पीपी किट ने ये बनाए, मैंने खुद ने 1,50,000 के। 70 हजार रुपये? जी सर। अच्छा रुमिना जी, जी सर, आपने तो क्लस्टर रिसोर्स पर्सन यानी सीआरपी ग्रुप में भी काम किया है? जी सर, मैंने सीआरपी ग्रुप में। आपके अनुभव क्या है? जी सर, मैं गांव गांव जाने लगी, पहले गांव में जाके दीदियों को जागरूक करने लगी और दीदियों को समझाने लगी कि भाई जो अपन समूह से जुड़ेंगे तो अपन को अपनी सरकारी योजना उनका भी फायदा मिलेगा। पहले क्या है कि दीदियों को कुछ योजनाओं का फायदा नहीं मैं पता था, मगर जब हम समूह से आजीविका मिशन से जुड़े तो हमें समूह का और आज जो सरकारी योजना हम चल रही है उनका हमें पता चला, और उसका हम फायदा दीदियों लेने लगी। तो कुछ तो दीदियां ऐसे भी समूह बनाए कि भाई हमें सरकारी योजना का फायदा मिलेगा, इसलिए मैंने समूह बनाए। मेरे हमारे संकुल संगठन में 40 गांव है, 40 गांव में ही हमने जा जाके समूह बनाए सर, और दीदियों को जागरूक करा। रुबीना जी, जी सर, आपको शायद पता होगा मेरा एक सपना है, उस सपना पूरा करने में आप मेरी मदद करोगी? बिल्कुल सर, आपकी बिल्कुल मदद करेंगे कि हम हमारे देश को एक आत्मविश्वास बहुत अच्छा वो बनाए देश, आत्मनिर्भर देश बनाए सर, और जैसे हम आत्मनिर्भर बने हैं ऐसे ही हमारा देश पूरा, सारी दीदियों अपने आप में आत्मनिर्भर बने और पूरा मेरा देश आत्मनिर्भर बने। अच्छा रुमिना जी, मेरी इच्छा ऐसी है जी सर कि मुझे आगे के कुछ समय में, जी सर, घर में ये जो हमारी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई जो बहने हैं, जी सर, ये जो हमारी सब दीदियां हैं, जी सर,
उसमें से मैं कम से कम 2 करोड़ दीदी को जी सर लखपति बनाना चाहता जी सर बहुत बड़ी बात है सर हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम दीदी हैं लखपति बने मुझे बताइए आप उसमें मेरी क्या मदद कर सकते हैं आपके जिले में हम कितनी दीदी को लखपति दीदी बना सकते हैं मेरी तो ये इच्छा है कि मेरे सारे देश की दीदी लखपति बन जाए अच्छा जी सर आप तो बड़ा पॉलिटिकल जवाब दे दिए अच्छा पीछे इतनी सारी महिलाएं दिख रही हैं जी सर जरा हाथ ऊपर करके बताए कौन लखपति दीदी बनना चाहता है देखिए मेरे पास बहुत काम है अगर आप मेरे साथ खड़े रहेंगे तो आप सब लखपति दीदी बन सकते हैं बिल्कुल सर सर हम सब दीदियां आपके साथ खड़े हुए हैं अच्छा रुमिला जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आप इस आत्मविश्वास से बात कर रही हो और हमारी माताओं बहनों का आत्मविश्वास है देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला है जी सर महिला सशक्त करने के लिए और इतनी कठिन जीवन से आपकी यात्रा शुरू की और आपने खुद के जीवन को तो बदला औरों के भी जीवन को बदला जी सर ऐसे जी के माध्यम से महिलाएं अब आत्मनिर्भर हो रही है और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है जी सर आप और आपके जैसे हर महिला का मैं इसी तरह से अच्छे लोगों काम करता रहा हूं और हम सब मिलकर के ये जो 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का मेरा जो सपना है उसको हमें पूरा करना है और मुझे रुमिला जी आप जैसे लोगों की मदद चाहिए बिल्कुल सर हम सब दीदी आपके साथ खड़ी हुई है और सर मैं एक बात और कहना चाहती हूँ मैं दुकान तो चला ही रही होंगी और उसके बाद में मैंने मेरे लड़का बेरोजगार था उसको टवेरा दिलाई आज मैं एक टवेरा की मालकिन हूँ एक दुकान की मालकिन हूँ मैं वाह 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 चलिए मेरी तरफ से आपका अभिनंदन है जी सर आपने अच्छा बच्चों को पढ़ाया क्या जी सर मेरे बच्चों को मैंने 10वीं 10वीं क्लास पढ़ाया 2 लड़की है एक लड़का है उनको 10वीं 10वीं क्लास मैंने पढ़ाया है आगे पढ़ाइए अगर बेटी आपकी के घर आप तो इतने बुद्धिमान है परिश्रमी है तो आपकी बेटी भी वैसी होगी आप उसको पढ़ाई में बहुत आगे ले जाइए जी सर मेरे गांव में भी सर सभी समूह में 16 समूह है मेरे गांव में और मेरे गांव में 210 परिवार जुड़े हुए हैं सारे समृद्ध गांव हो गया सर मेरे गांव पूरा समृद्ध गांव हमने समृद्ध गांव बना लिया है और जी सर सभी दीदियां अपना अपना उद्योग कर रही हैं 1 से 4 गतिविधि कर रही हैंगी और हमारे यहाँ पर बैंक की टीम आई थी वहाँ पर हमारे पूरा गांव में सर्वे करा था उन्होंने वो बहुत खुश हुए जी सर चलिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन और सब दीदियों का अभिनंदन चलिए आगे देखते हैं आगे कौन सा धाम है जहाँ मोदी की गारंटी गाड़ी के पास सब खड़े हैं अब उत्तराखंड के हरिद्वार चल रहे हैं आपके क्षेत्र की में संवाद किया है ये जो भारत सरकार की जो अति महत्वाकांक्षी जो योजना है उसको आप क्षेत्र में किस ढंग से अधिक हितग्राहियों तक पहुंचे उसके लिए कैसे प्रयास करते हैं देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो है कि हाटपिपला विधानसभा देवास जिले के लिए हमारी गौरव की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर जो जन कल्याणकारी योजना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा मोदी जी के नेतृत्व में चलाई जा रही है उसका लाभ यहाँ के बहनों को जो मिला उन बहनों में से हमारी हाटपिपला विधानसभा के गुजर बापचा की एक बहन से उनने चर्चा की रुबीना बहन से और निश्चित रूप से मैं उस परिवार से कई वर्षों से परिचित हूँ और ऐसे कई परिवार हैं जिनसे परिचित हूँ जिन्होंने आजीविका मिशन के माध्यम से स्व सहायता समूह के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है उनका लाभ उठाकर वो अपने जीवन को उनके परिवार के जीवन को कैसे बदला है मैं भली भांति जानता हूं और जो एक मजदूरी करने वाली बहन आज अपना खुद का व्यवसाय चला रही है अब वो आत्मनिर्भर बनी है उनसे चर्चा आज नरेंद्र मोदी जी ने की है निश्चित रूप से हम सबके लिए गर्व की बात है और हमारे लिए प्रेरणा की भी बात है हमें बाकी बहनों को और बाकी परिवारों को इस बात से प्रेरित करेंगे कि सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर अपने जीवन को अपने परिवार को मजबूत करें और इस भारत देश को मजबूत करें इस प्रकार से उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर अपने परिवार को सशक्त किया है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जानते हैं यदि भारत को विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाना है
तो महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत आवश्यक है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कार्य करती रही है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2047 के पहले भारत को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। उसके लिए वो लगातार मेहनत करते हैं, लगातार परिश्रम करते हैं और लगातार प्रयास करते हैं। ठीक है, सरकारी हो गया, अब गैर सरकारी ले लो। ठीक है, टारगेट अचीव कर पाया है देवास जिले में, और आगे जो कार्रवाई होने जा रही है क्या सम्मिलित होगा? जैसा कि हम जानते हैं, मध्य प्रदेश और ऐसे पोल बाउंड जो स्टेट्स थे जिनमें बाद में हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुई है, उनकी अब लगातार हमारा प्रत्येक जिले में हर गाड़ी रोज की दो पंचायतें कवर कर रही हैं। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 7 गाड़ियां चल रही हैं, तो इस प्रकार से डेली हम 14 पंचायतें कवर कर रहे हैं। 26 जनवरी तक हम इस संपूर्ण यात्रा का समापन बड़े हर्षोल्लास और बहुत सफलतापूर्वक करेंगे। उसी के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक सप्ताह में कुछ एक जिलों से बात करते हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज देवास जिले को अवसर मिला। इसमें हमारी स्व सहायता समूह की महिला ने आज स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी से बात की और अपने जीवन के सफर के बारे में उल्लेख किया कि किस प्रकार से स्व सहायता समूह से जुड़ के उनके जीवन में बदलाव आया है और किस प्रकार बाकी बहनें भी इससे जुड़ के लाभ प्राप्त कर सकती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अप्रिशिएट किया, कितने उत्साह से और कितने कॉन्फिडेंस से उस महिला ने बात की, और उन्होंने अपनी एक सोच भी जाहिर की कि वो चाहते हैं कि देश की जो प्रत्येक महिला है वो हमारी लखपति महिला बने, तो उसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद।